हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पबजी 0.10 के नए अपडेट के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अब तक ये अपडेट नहीं किया है तो आप इस अपडेट को ना कीजिए, और आपने अगर अपडेट ये कर लिया है तो आप लोगों का शायद कुछ रिएक्शन हो सकता है इस तरह का। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह का क्यों होगा, क्योंकि यार हम तो पबजी लवर्स हैं और पबजी को हम सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पबजी ने जो अब की बार अपडेट दिया है वो सबसे घटिया से घटिया अपडेट अब की बार का है। वो क्यों है, किस लिए है और उसके क्या रीज़न है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, इसके साथ अगर आपको पबजी लैग हो रहा है तो मैं आप लोगों को एक प्रो टूल देने वाला हूँ, जो कि मैंने प्ले स्टोर से बाय किया था, और जैसे ही पबजी का नया अपडेट आ चुका है तो वो टूल भी हो चुका अपडेट, तो आप लोगों को वो की और वो टूल भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो टूल यूज करने के बाद आपको ना तो पबजी की आईडी बैंड होगी और ना ही आपका पबजी लैग होगा, और आप 100% एकदम स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। और अगर आपका पबजी आपके मोबाइल में फिर भी लैग होता है तो आप यार मेरे चैनल को वापस आकर अनसब्सक्राइब कर दियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्ले स्टोर पे। जैसे हम प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं पबजी, तो यहाँ पे पबजी आ चुका है, और यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके रेड मोर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों रेड मोर करते हैं तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 6x6 meters का कुछ मैप के अंदर, एरिया के अंदर आप लोगों को बर्फ देखने के लिए मिलेगी, ना कि आप लोगों को स्पेशल मैप वीकेंड कैंडी का देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि सैनोप है, मीरामार पे या रेंगल है। इस तरह का कोई भी नया मैप इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस गेम को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे भी आप लोगों को काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। वो माथापच्ची क्या है, चलिए उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों, ये सबसे बड़ा घटिया से घटिया अपडेट पबजी वालों का ये है। तो दोस्तों, बीटा टेस्टिंग वर्जन में वीकेंडी का हमें एक सेपरेट से मैप खेलने के लिए दिया गया था। पीसी पे एक अलग से सेपरेट मैप मिलता है खेलने के लिए, या प्ले स्टेशन पे भी एक अलग से सेपरेट मैप मिलता है खेलने के लिए वीकेंड कैंडी के नाम से। तो दोस्तों, मोबाइल में जो इन्होंने फाइनली वर्जन लॉन्च किया है ग्लोबली, तो इसमें इन्होंने वीकेंड कैंडी का कोई भी एक सेपरेट मैप क्यों नहीं दिया गया, हमने क्या गुना किया है? दोस्तों, पबजी वालों ने अगर बीटा वर्जन में मोबाइल के लिए एक सेपरेट मैप बनाया था, तो दोस्तों अब ये ग्लोबली इन लोगों ने फाइनली वर्जन लॉन्च किया है, तो इसके अंदर भी इन लोगों को एक सेपरेट मैप, जैसे कि मीरामार, रेंगल और इस तरह का मैप है, एक सेपरेट मैप हमें खेलने के लिए देना चाहिए, ना कि ये जैसे कि हम अगर रेंगल खेल रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि डे नाइट मोड, तो डे नाइट मोड हर बार डे नाइट मोड नहीं आता है, कभी कभार डे नाइट मोड ऑटो रन होता है। उसी तरह से दोस्तों, ये स्नो जो स्नो का मैप है वीकेंड कैंडी है, इसी तरह से 6 किलोमीटर के किसी भी मैप के अंदर आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसकी कोई वो नहीं है कि यह मैप आप लोगों को कब खेलने के लिए मिले, बस ये ऑटोमेटिक आप लोगों को खेलने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये जरा सा नाइंसाफी है। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र अब हम डालते हैं इस गेम को अपडेट करने के ऊपर। तो दोस्तों, इस गेम को अपडेट करने के लिए आप लोगों को जो पुराना गेम है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से इस गेम को फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, गेम की साइज भी कोई छोटी मोटी यहाँ पर साइज नहीं है, गेम है पूरा 1.600 MB का यह पूरा गेम है। तो दोस्तों, अगर इतने बड़े गेम को अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे चाहिए वाईफाई। अगर मोबाइल डेटा से आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों, आपका 1 GB डाउनलोड होने के बाद प्ले स्टोर में एक एरर आ जाती है, और इस तरह से कम अपना 5 से 6 GB डेटा वेस्ट कर चुका हूँ, और फाइनली मैंने इसको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड किया है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बता देता हूं कि अपडेट होने के बाद आप लोगों को किस तरह का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये देख सकते हो दोस्तों, अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है, और चलिए मैं इसको पूरा तरह से ओपन हो जाने देता हूं, और बाद में आप लोगों को सारे मैप वगैरह चेक करा देता हूँ तो इन्होंने क्या कुछ नया अपडेट दिया है हमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पे ये सैनोक की वही घटिया सी पिक्चर दिखाई दे रही है, जो कि हम हर बार देख देख के बोर हो चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, इन्होंने सिर्फ ये थीम्स को यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और इसके अलावा इन्होंने
क्या कुछ अपडेट किया उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। चलिए मैं आप लोगों का मैप ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही तीन घिसे पिटे पुराने मैप हैं, रेंगल, मीरामार और सैनोप। इसके अलावा वीकेंड कैंडी का नाम का यहाँ पे कोई भी मैप नहीं है। और ये यहाँ पे मैंने क्लासिक मोड ओपन कर रखा है। चलिए मैं आप लोगों को आर्केड मोड में भी दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर मैप ऐड कर देते तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों हम 1.5 GB से भी ज़्यादा अपना डेटा वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी मैप ऐड नहीं है। और 1.5 GB से ज़्यादा भी हम अपना डेटा वेस्ट करते हैं एक बार में, ये पूरा अपडेट नहीं होता। उसके लिए हमें 3-4 बार ट्राई करते हैं, 3-4 बार में हमारा 5 से 6 GB डेटा वेस्ट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये अपडेट हमें ये अपडेट मिलते हैं, और उसके अंदर भी जिस चीज़ के लिए हम अपडेट कर रहे हैं वो अपडेट वाला मैप भी हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता। तो इस अपडेट का क्या फ़ायदा, इसीलिए हमारा रिएक्शन उस ताऊ वाला ही है जो कि आप बेटी चोद